जिले में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। यहां बदमाशों ने होलिका दहन के मौके पर भाटापारा इलाके में मनचलों ने होलिका दहन के दिन यहां खड़ी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। वारदात का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर ये बलौदा बाजार से, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जहां पर आप देखिए कि दो बदमाश आते हैं, तेल डालकर गाड़ी में आग लगाकर मौके से फरार हो जाते हैं। तो अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ लिया जाए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर है घटनाक्रम के बाद की, आप देखिए किस तरीके से कार जो है यहाँ पर जल गई, और दूसरी तस्वीर है उस वक्त की जब ये बदमाश इस घटना को अंजाम दे रहे थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दूसरी तस्वीर जहां पर दो बदमाश आते हैं, तेल डालते हैं और उसके बाद गाड़ी में आग लगा देते हैं, और आग लगने के बाद गाड़ी की जो स्थिति है वो आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं। तो पुलिस से भी इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है कि आखिर कौन ये बदमाश थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर ये बलौदा बाजार से, आपको एक बार फिर से बता दें ये दो तस्वीरें, होलिका दहन का मौका था लेकिन देखिए होलिका दहन के दिन इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपेंद्र शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। दीपेंद्र, के आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाई है? नहीं, अभी आरोपियों तक पहुंच नहीं पाई है। वार्ड श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड की ये घटना है और होलिका दहन के दिन रात में ये घटना को अंजाम दिया है नकाब सॉरी मुखौटाधारियों ने, ये घटना को अंजाम दिया है। मुखौटे को लेकर के छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध है, बावजूद इसके पुलिस ने कार्रवाई सही ढंग से नहीं कर पाई, नगर पालिका ने सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर पाई, मुखौटों की जब्ती नहीं हुई। यही कारण रहा कि अब ये जो मुखौटाधारी है ये लोग आगजनी की घटना को अंजाम दिए हैं, और अब देखने की बात होगी कि पुलिस कब तक इन तक पहुंच पाती है। बलौदा बाजार के कौन से इलाके की पूरी घटना है दीपेंद्र? भाटापारा एक ब्लॉक है इनका, हमारा उपजिला पड़ता है वो भाटापारा उपजिला कहा जाता है। ये उस जगह की घटना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भाटापारा शहर क्षेत्र में आता है वहाँ की ये घटना है, और ये बड़ा दुखद घटना है क्योंकि कार घर के सामने खड़ी है और कोई पेट्रोल या कोई तेल डाल करके आग लगा रहे हैं दो युवक बिखरे रहे। दीपेंद्र, जिनकी गाड़ी जली है क्या उन्होंने कोई शंका जताई है कि किसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा? नहीं, इनके तरफ से तो सूचना पुलिस को दे दी गई है, हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब देखने की बात होगी कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है। चलिए, नजरें आप बनाए रखिएगा दीपेंद्र, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।